हाँ जी प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हैं? चलिए, आप लोग कह रहे हैं बढ़िया है तो ठीक है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास की कार्रवाई करने से पहले जैसे हम बताना पड़ता है कि हमने क्या किया लास्ट वीडियो में। बेटा हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? हमने क्या पढ़ा था सर? हमने क्या पढ़ा था बच्चों? हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली थी ना हमने। हाँ 1.2 हो गई थी। और हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन ट्री के बारे में कि फैक्टराइजेशन ट्री क्या होता है, कि अगर हमें किसी भी संख्या के प्राइम फैक्टर निकालने हैं यानी अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं तो फैक्टराइजेशन ट्री से कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके उस तरह के क्वेश्चन के साथ हमने डील किया था तो लास्ट क्लास हुई थी हमारी। तो आप में से जिस बच्चे ने वो देखी नहीं, एक बार वो देख लेना, वो समझ जाओगे तो आज वाला भी समझ जाओगे। ठीक है, अब आज क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। क्या सर? एक्सरसाइज 1.1 बिल्कुल। ये ऐसी एक्सरसाइज है जिसका पहला क्वेश्चन, अब मत देखना पहला क्वेश्चन, अब बुक तुम उठा रहे हो, जिसका पहला क्वेश्चन तो एकदम आसान है। हम ऐसे बताएंगे आपको, ऐसे मेथड से आप 2 मिनट में कर लोगे। ठीक है, पर जो बाकी के इसका जो क्वेश्चन होता है ना, वहाँ पर बच्चों को नानी याद आ जाती है। पर चिंता मत करें बच्चों, हम आपको ना तो नानी की याद आन देंगे ना नाना की। नानी नाना को याद करो, ऐसे दिक्कत नहीं है, पर यानी बच्चे पसीने पसीने हो जाते हैं। बच्चे की शिकायत क्या रहती है? यही रहती है बच्चों की डाउट कि सर 1.1 तो वो प्रूफ वाले सवाल हैं सर, वो नहीं आ रहे। अरे फिर जब बच्चों को हम 1.1 कराते हैं, 2-3 क्लास में कंप्लीट करते हैं, 1 क्लास में नहीं हो पाती सर वो, क्योंकि अगर बच्चों को जब तक डीपली नहीं पढ़ाएंगे सर तब तक कैसे आएगा। तो आराम से 1.1 को हम 2-3 लेक्चर में ख़त्म करेंगे। और 1.1 बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि यहाँ पर प्रूफ वाले सवाल होते हैं और प्रूफ वाले सवालों के साथ बेसिक समझना पड़ेगा। और बेसिक क्या है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, जब तक बिना बेसिक नहीं पढ़ेंगे तब तक सर कैसे हो जाएगा। ठीक है, मैंने काफ़ी हमारे बच्चे बोलते हैं, काफ़ी हमारे भाई बहन हमसे कहते हैं ना कि सर, क्या कहते हैं हमसे कि सर थोड़े ना उसके वाले सवाल नहीं होते 1 नंबर वाले। अरे मैंने कहा यार बेसिक सवाल है बच्चों, बेसिक सवाल तो आपको आने चाहिए। ठीक है, जब तक हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक उसमें कैसे कर पाएंगे, है ना। और अभी जैसे मान के चलो ना यार, अभी क्या हुआ कि अभी मैंने मुझे एक बच्चा बोल रहा था, अरे भैया आप ना वीडियो में ना सिर्फ कुछ कुछ ही बच्चों के नाम लेते हो, हमारे नाम लेते हैं ना, हमारे से काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं जो हमारे 9th क्लास के कुछ छात्र छात्राएं थी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि सर हमारा नाम लेते हैं। चलो भैया सबके नाम में ले लेता हूँ ना, जैसे मान लो कि हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, प्यारे बच्चे, बहुत सारे हमारे भाई हैं, बहुत सारे हमारी बहनें हैं। ठीक है, जैसे कुछ बच्चों के नाम ले रहा हूँ मैं, बच्चे कह रहे नाम ले नहीं लेते ना, चलो भाई सबके नाम ले रहा हूँ जितने के नाम मुझे याद हैं। नाम क्या, जैसे साक्षी असवाल और रिया शर्मा, एक शिवानी राय है, इफत, साक्षी बिष्ट, तराना, शीतल और संगीता यादव, है ना, संध्या और मनीषा बिष्ट, और सर साक्षी झा, अनुप्रिया, प्रीति, मोहित पाठक, पाठक भाई, और संदीप भाई, संदीप भाई उर्फ चूड़ा भाई। ठीक है, मयंक चौबे, मयंक रावत, मोहित सिंह लटवाल, लटवाल भाई, है ना, अभिषेक, शुभम मकलोगा उर्फ मक्खू, बॉबी विष्ट, दिनेश उर्फ चांदनी। ठीक है, और बच्चे भी, और बच्चे, हाँ टीनू मीना रह गया, टीनू मीना, हिमांशु, लव किसार, किशोर चोनियाल, अच्छा पूरा नाम चोनियाल इसका, और वैभव भंडारी, और के वाई तो रह गया, के वाई रह गया, फहीम भाई, अमन सिंह रावत जी, लच्छा जी, साक्षी कोनाडिया, है ना, अच्छा सक्सेना बहन, हरचंद, चांद भाई, चांद मोहम्मद। ठीक है, और मोनिका, सालू गुप्ता, विनायक भाई, और बाकी हर्षराज पाठक, सचिन भंडारी, सचिन कामल भंडारी, रोनित शर्मा भाई, और मनीष रावत, क्या बात है, और ईशानी राजपूत तो रह गई, और अंजलि, हाँ अंजलि, ईशानी अंजलि दोनों, है ना, दोनों बहनें एकदम फैन, बहुत अच्छी सहेलियाँ हैं। और कोई रह गया उसके अलावा? और कोई रह गया भाई? यार लगभग सबके नाम तो ले लिए भैया, अगर कोई बच्चा रह गया हो ठीक है मुझे मैसेज कर देना आज कि भैया मेरा नाम रह गया था। ठीक
है, कोई बच्चा रहेगा तो मुझे बता देना बेटा ना, और बाकी तो मुझे बाकी का नाम तो याद नहीं मुझे, मतलब शायद मैंने सबके नाम ले लिए हैं, अगर कोई बच्चा रह गया हो तो मुझे बता देना सर, है मैं आपका नाम ले लूँगा कल बेटा, ठीक है। मैंने कोशिश किया सब बच्चों का नाम लेने की, वैसे तो मुझे लगता नहीं सर मैंने किसी का नाम छोड़ा बच्चों का, सर सब बच्चे का मैंने नाम लिया है, ठीक है। चले ये तो बच्चों के नाम लेने की बात थी, अब आते हैं किस पे, पढ़ाई बेटा, ठीक है। तो सर आज पढ़ने जा रहे हैं हम एक यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बट मैं लिख के दे रहा हूँ 1.1 से एक पक्का सवाल आना आना ही है, गारंटेड है ये तो। और जो आज मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ सर, यहाँ से क्या तो एक नंबर का आएगा या दो नंबर कन्फर्म आएगा आएगा, और अगर आप ये समझ गए तो बाकी 1.1 के जो बाकी क्वेश्चन से वो कर लोगे, ठीक है। आज मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, है छोटा सा, हो सकता है लंबा हो सकता है, तो लास्ट वाला लेक्चर था वो एकदम छोटा था आपके लिए, आपको मजा आ गया होगा ना, पर ये लेक्चर है या हो सकता है मे बी, देखते कितना बड़ा जाता है वो तो डिपेंड करते हैं ना, अब जितना डीपली जाएंगे उतना ही जाएगा। बच्चों देखो तो सामने लिखा हुआ है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या सर? तो सर एक हमारे गणित के बहुत बड़े सर, एक हमारे बहुत बड़े ना गणित के बहुत बड़े हमारे ज्ञाता थे, ठीक है। तो उन्होंने सर क्या निकाला था कि बहुत बड़े ज्ञाता थे सर, उन ज्ञाता का नाम क्या था जिन्होंने ये यूक्लिड डिवीजन लेमा निकाला था सर? उन ज्ञाताओं का नाम मोहम्मद इबन मूसा अल ख्वाजारी, पता नहीं सर कितना बड़ा नाम है इनका, है ना, ये मूसा से ये मसूका याद आ रहा होगा बच्चों को, आजकल हरी सिंह का गाना चल रहा है ना मसूका वाला, ठीक है, इनका इतना बड़ा नाम था। इन जो हमारे ये परमात्मा थे, जो हमारे मैथ के बहुत बड़े दाता थे, ज्ञाता थे सर, ये एक यूक्लिड डिवीजन लेमा लाए थे, ठीक है। सर इन्होंने इसमें क्या बोला था, ये कह रहे थे गिवन, लिखा गया पहले लिख, जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं पहले, कह रहे गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इक्वल टू डैश डैश डैश। ये मतलब क्या सर? सर इसका मतलब है क्या? इसका मतलब समझाने के लिए मुझे आपको ना एक चीज, ये मत देखो फिलहाल, छोड़ दो उसको, बोला बच्चों इसको छोड़ दो, जब तक ये नहीं समझोगे तब तक ये क्या समझो, समझ जाओगे भाई। देखो बेटा ये क्या कह रहा है सर, आपको समझ नहीं आई, हिंदी में बच्चे कह रहे यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझो बेटा, यूक्लिड विभाजन लेमा ही समझो इसको, ठीक है। सर इसका मतलब है क्या? देखो ये समझने के लिए आपको मैं एक चीज समझाना पड़ेगा मुझे, जो चीज एकदम अति आवश्यक, क्या है अति आवश्यक, अति आवश्यक, अति आवश्यक है, अति आवश्यक क्या सर? ये कहता है कि मान के चलो प्यारे बच्चों, मैं जैसे मैंने क्या किया कि सर 11 में किसका डिवाइड किया, 4 का डिवाइड किया, ठीक है सर, 4 का डिवाइड 11 में जाएगा सर, जाना तो चाहिए सर, जाना चाहिए बिल्कुल, कितनी बार जाएगा, 4 2 जा 8, बट कितना बचेगा, 3 बचेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, बिल्कुल बचा बेटा। तो बेटा जो 4 होता है, ये जो 4 होता है जिससे हमने डिवाइड किया है प्यारे बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, डिवाइजर, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, डिवाइजर, डिवाइजर बोले तो आम भाषा में इसको क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे इसको, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे बेटा, भाजक, क्या बोलेंगे, भाजक बोलेंगे शायद, थोड़ा हो सकता है अगर हिंदी में कोई गलती हो जाए तो माफी चाहता हूँ बेटा, ठीक है, ये भाजक बोलते हैं सर, जिसमें डिवाइड जाता है, जिसमें डिवाइड दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, सर उसे बोलते हैं डिविडेंड, यानी कि क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, भाज्य, भाज्य बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे बेटा। ये क्या हमारे पास, ये सर रिमाइंडर है सर, ये क्या है, रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर आया हिंदी बोले तो इसको हिंदी बोलते हैं शेषफल, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, शेषफल, जितनी बार डिवाइड गया, जितनी बार डिवाइड गया उसी क्या बोलते हैं, उसे बोलते सर क्वोशेंट, उसे बोलते हैं सर क्वोशेंट, हिंदी बोलते हैं क्या, भागफल, हिंदी में कहा जाता है भागफल, हिंदी में कहा जाता है भागफल। अब सर आप बोल रहे हो सर ये क्यों समझा रहे हो आप, बेटा इसके बगैर ये आपका समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब सर होता क्या है कि आपने ना क्लास 11 क्लास क्लास आपने क्लास 9th में एक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा, है ना, क्लास 9th में आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें आपने क्या पढ़ा था,
है, उसमें आपने रिमाइंडर थ्योरम में यूक्लिड विभेदन, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी उस जो आपने क्लास 9th में जो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था, तो उसमें आपने ये पढ़ा था ना रिमाइंडर थ्योरम में सर, क्या क्या आपने पढ़ा था, ये पढ़ा था सर आपने, क्या क्या सर क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों, क्या पढ़ा था आपने सर, कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस क्या बच्चों, प्लस रिमाइंडर है ना, हिंदी में लो बच्चों हिंदी में भाज्या, भाज्या बराबर, भाज्य बराबर नहीं, भाज्य लिखेंगे बेटा, हाँ भाज्य ही आएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा शेषफल प्लस, नहीं सॉरी माफ हो जाता हूँ बेटा, गुणा भागफल प्लस शेषफल। बच्चों ये समझा रहा हूँ, देखो बेटा ये जो चीज़ है ना प्यारे बच्चों, ये चीज़ तो आपने क्लास 9th में पढ़ा था सर, पढ़ाई और रूल पहले आपने सर कभी, सर क्या आपने ये चीज पढ़ी है कभी, कोई बच्चे करेंगे अरे हाँ भैया भैया ना वो हमने क्लास 9th में पढ़ी थी, हाँ। देखो बेटा अगर जिस बच्चे को ये चीज याद है, जिस बच्चे को ये याद है ना, वो बच्चा तो कर लेगा, और जिस बच्चे को सर याद नहीं है सर बच्चा कैसे करेगा, है ना सर, हमने क्लास कहाँ पढ़ा था, क्लास 9th में पढ़ा था। इसको सर चाहे क्या बोलो, सर चाहे क्या बोलो इसको, मतलब डिविडेंड थ्योरम बोलो, ये चाहे सर इसे सर इसको क्या बोलो आप, चाहे प्यारे बच्चों इसको आप रिमाइंडर थ्योरम बोलो, कुछ ही बोलो बात एक ही है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये आपको हमारे पास रूल होता है, ठीक है। अब होता क्या प्यारे बच्चों, मैंने आपको समझा दिया कि अगर 4 के डिवाइड में 11 बनूंगा, 2 बार जाएगा रिमाइंडर, क्या बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इस दौरान ये देखो कि ये जो डिविडेंड होता है, ये जो क्या होता है डिविडेंड जो होता है, ये जो डिविडेंड होता है बच्चों, चलो पहले मैं आता हूँ प्यारे बच्चों किस बात हो, हाँ डिविडेंड जो होता है, इस डिविडेंड को कहा जाता है ए, इस डिविडेंड का बोलता हम ए बोलेंगे, अब जो क्या बोलेंगे इसको ए, इस डिविडेंड को ए नाम दिया गया है, इस भाजो क्या नाम दिया गया बेटा, ए नाम दिया गया, क्या दिया गया बेटा ए, ठीक है। ये जो डिवाइजर होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, डिवाइजर यानी भाजक को, इसे बेटे क्या बोलेंगे बी, इसे क्या बोला गया बेटा, इसको बोला जाता है बी, इसको बी कहा जाता है, क्या कहा जाता है बी कहा जाता है। सर तुम बोलोगे डी से डिवाइजर, नहीं भैया इसको नाम बी नाम दिया गया इसको, ठीक है ठीक है प्यारे बच्चों। इनटू में क्यू, क्यू मतलब क्वेश्चन, क्यू मतलब क्वेश्चन, क्वेश्चनों को कहा जाता है स्मॉल क्यू, क्या कहा जाता है छोटा वाला क्यू यानी स्मॉल क्यू, इसे कहा जाता है बेटा स्मॉल क्यू। प्लस तुम बोलोगे भैया रिमाइंडर, बट रिमाइंडर को क्या बोलेंगे आर, इसे कहते हैं छोटा आर, रिमाइंडर को कहा जाता आर यानी कि छोटा आर कहा जाता है बेटा हमारा, बट क्या कहा जाता है छोटा आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि ए इज इक्वल टू बी को क्यू से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा बी क्यू प्लस आर। ये सर कहाँ से आया, ये सर यहाँ से आया, हमने पढ़ा है ना ये 9th का पढ़ा है ना कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये सर कहाँ से आया, सर ये आया क्लास 9th में सीखा था, कहाँ सीखा था क्लास 9th में, ठीक है। अब एक एक चीज देखो प्यारे बच्चों, देखना है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये भी क्या है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आगे छोड़ दो, क्या बेटे इससे मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है, कहाँ से आया सर यहाँ से आया। अच्छा प्यारे बच्चों मुझे काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सर थोड़ा सा वीडियो देखने में दिक्कत आती है, देखो बेटा वीडियो देखने में दिक्कत आ रही है, तो एक काम करिए आप ना अपने कैमरे के सर मतलब सर अपने फ़ोन को सर एक तो फुल स्क्रीन में रखिए, फुल स्क्रीन में रखिए उसको, ठीक है। तो वीडियो बेटा अपने आप रोटेट हो जाएगी, आपको साफ दिखेगा। दूसरा फ़ोन को आप रोटेट कर सकते हो आप, ताकि एकदम कभी कभी रोटेट करने से भी पूरे फुल स्क्रीन में हमारा फ़ोन आ जाता बच्चों, ठीक है। चलिए सर ये आया, अब सर ये कैसे, ये सर इसका इससे क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, अरे यार ए का मतलब यहां पर क्या सर, ए का मतलब यहां पर 11 है, 11। बी का मतलब सर यहां पर क्या है,
बी का मतलब सर यहाँ पर क्या है, चार है, चार है। क्यू का मतलब क्या है सर, क्यू का मतलब सर कुछ सेंड, बेटा क्यू यहाँ पर क्या है, क्यू यहाँ पर दो है। सर आर का मतलब क्या है, आर का मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर सर यहाँ पर क्या है, तीन है। चलिए एक बार देखना क्या करना, चार दूनी आठ प्लस तीन, देखना बेटा 8 + 3 कितना होता है, 11। अरे 8 + 3 कितना होता है, 11, यानी सर क्या होता है, 11 होता है। तो सर क्या दोनों साइड बराबर नहीं आ रही, और दोनों साइड बराबर तो आ तो रही है सर, दोनों साइड बराबर तो हाँ सर आ रही है बिल्कुल। तो 8 + 3 = 11 होता है ना, ये सर हमारे पास ये जो है तो ये कहाँ से आया, इससे आया। तो जो a = bq + r है ना, तो ये सर किसने दिया था, ये हमारे यूक्लिड भाई साहब ने, ये तो बहुत बड़े ज्ञाता थे, तो इन्होंने कहा था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में इन्होंने कहा था, तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर, मान लो अगर a और b कोई पॉजिटिव इंटीजर है, a और b अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर यानी कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। बोलने का मतलब, इनका मतलब ये था कि अगर बी और क्यू कोई इंटीजर है, ए और बी कोई इंटीजर है, और अगर इनका आपस में डिवाइड करें, इनका आपस में डिवाइड करें, तो सर क्या होगा, इनका सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा और एक ही रिमाइंडर होगा। मतलब अगर सर जैसे समझे नहीं तुम करो सर, समझे नहीं, देखो बच्चों, जैसे मैंने चार का डिवाइड किस में दिया, 11 में, चार का डिवाइड मैंने किस में दिया सर, 11 में दिया। अगर सर मैंने चार का डिवाइड में 11 में देता हूँ तो सर कितना बचेगा, रिमाइंडर तीन ही बचेगा। अगर मैंने चार का डिवाइड 11 में दिया, मेरा रिमाइंडर बचा तीन और क्वेश्चन बचा दो। क्या मान लो अगर आप चार का डिवाइड 11 में देते हो, क्या आपका रिमाइंडर तीन नहीं बचेगा, क्या आप क्वेश्चन तो नहीं बचेगा सर। अगर आप चार का डिवाइड 11 में दोगे ना सर, आपका भी रिमाइंडर क्या बचेगा, तीन ही बचेगा, और आपका भी सर क्वेश्चन क्या बचेगा, दो ही बचेगा। जो रिमाइंडर क्वेश्चन मेरा बचेगा, वही रिमाइंडर क्वेश्चन आपका बचेगा सर। तो यानी कि ये बोलना चाह रहे थे, अगर किसी एक नंबर का डिवाइड दूसरे नंबर में देंगे तो उनका जो रिमाइंडर बचेगा, जो क्वेश्चन बचेगा, वो एक ही होगा हर एक केस के लिए, पहली बात। तो उन्होंने इसे क्या लिख दिया, कह रहे इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, a = bq + r, क्या लिख सकते हैं, a = bq + r। अगर कभी प्यारे बच्चों आपको पूछा जाए कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, वैसे कभी कभी बेटे पूछ सकता है एक नंबर में, तो सिंपल ना इसको याद कर सकते हो, मतलब इस अगर डिफाइन करने को आ जाए तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर, इसको याद करना पड़ेगा आपको। और अगर पूछे यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, तो आपको बोलना है यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, आपको बोलना है a = bq + r। तुम बोलोगे सर, सर आपने ये तो समझा दिया, ये क्या है सर, ये तमाशा क्या है क्या है, ये तमाशा दिखने के लिए, वो नाना पाटेकर डाला डायलॉग है ना, नाना पाटेकर साहब बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि आ गए मेरे मौत का तमाशा दिखने के लिए, ठीक है ये वो है क्या, नहीं सर। अब अभी इसका यूज बता रहा हूँ मैं, इसका यूज बता रहा हूँ मैं सर अभी आपको, पीछे क्या मतलब है इसका, ठीक है सर ये समझे पहले आप। यानी उन्होंने कहा अगर डिवाइड करते हैं तो उसको क्या इस फॉर्म में ले सकते हैं, a = bq + r। ए मतलब जिसमें डिवाइड जा रहा है, बी मतलब जिससे डिवाइड दे रहे हैं, क्यू मतलब कितनी बार डिवाइड किया, और आर मतलब जितना बचा, जितना बचा, ठीक है सर। ए मतलब जिसमें डिवाइड दे रहे हैं, बी मतलब जिससे डिवाइड दे रहे हैं, क्यू मतलब कितना बचा, आर मतलब रिमाइंडर, ये उन्होंने कहा था। तो सर क्या है? ये सर सारे याद करना पड़ेगा, नहीं बेटा आपको सर ये याद करना है a = bq + r। अब सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्या, देखो बेटा ये आपको ये पूरा याद करना पड़ता है, आपको यही बोलना पड़ता है कि इसको हम पता क्या पढ़ते हैं, ऐसे जब हम अगर जो पढ़ते हैं ना, अगर मैं आपको पूछूंगा बेटा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, तो आपको बोलना सर a = अगर मैं पूछूं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, तो आपको बोलना सर a = bq + r, where b less than r, r सॉरी बेटा माफी चाहता हूँ, ठीक है जी, ऐसे नहीं सॉरी उल्टा हो गया, b greater than r एंड r > 0। मतलब क्या, इसका मतलब समझा रहा हूँ अभी, मतलब पूछा जाए क्या बोलो, कोई बोले तो आप ऐसे बोल सकते हो कि a = bq + r, where, यहां से बोलना पड़ेगा, यहां से नहीं बेटा यहां से बोलना पड़ेगा, वेयर बी ग्रेटर देन आर एंड आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0।
हिंदी में कोई पूछे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जहां पर बी बड़ा होता आर से और आर बड़ा और बराबर, इसका मतलब होता बराबर भी किसके, जीरो के। तुम बोलोगे सर इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है क्या, आ रहा हूं बेटा इस पर मैं, आ रहा हूं पर, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा है ना, तो प्यारे बच्चों ये समझो, तो क्यों बेटे ये आपको समझोगे ना तब तक कैसे समझ आएगा, तो समझेंगे तब तक कैसे समझ आएगा, ठीक है। देखो देखो, तो मैंने कहा बेटा यूक्लिडियन लेमा क्या कर रहा था, ए इज इक्वल टू क्या बोल रहे थे साहब, सर कह रहे थे साहब ने हमें यूक्लिडियन लेमा, साहब ने हमें ये बताया था, कौन बताया था भैया, ये बताया था ए इक्वल टू क्या सर, ठीक है सर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर वेयर सर, क्या जीरो हमारा छोटा होता आर के बराबर, ये होता है किसके सर, बी के सर, यही तो था बी ग्रेटर देन आर, ये सर मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है क्या। दो बच्चों इसका मतलब समझाता हूँ एक एग्जांपल से, सर समझाइए एग्जांपल, समझाइए भाई, समझा रहा हूँ टेंशन नहीं, टेंशन ये समझ गए ना आप, ठीक है। दो बेटा मान के चलो ना, मैं क्या, मैं सर, नो मैं बट मैं, ठीक है जी। मान के चलो प्यारे बच्चों मैं 6 का डिवाइड करता हूँ किस में, 12 में, 6 का नहीं लूँगा मैं, 3 लूँगा यार, बड़ा अच्छे ना 3 ले रहा हूँ, मान लो मैं 3 का डिवाइड किस में कर रहा हूँ बेटा, मैं 3 का डिवाइड कर रहा हूँ किस में, 5 में, बेटा कितनी बार जाएगा 3 का डिवाइड, सर ये 3 1 3 3 नहीं, 3 ना ऐसे नंबर लूँगा, तुम 3 में कन्फ्यूज हो सकते हो। देखो बेटा 6 ले रहा हूँ, लो क्या कर रहा हूँ, 6 ले रहा हूँ मैं, 6 लो भैया, 6 ले रहा हूँ मैं, 6 का डिवाइड किस में कर रहा हूँ मैं, 6, 6 मतलब 6 किस में कर रहा हूँ सर, कितनी बार जाएगा सर, 6 2 जा 12, कितना बचेगा बेटा, 0 बचेगा। अब फटाफट एक बार लिख लेते हैं सर, ये क्या होता है, इसे बोलते हैं, ये क्या होता है सर, ए, इसे बोलते हैं बी, इसे बोलते हैं क्यू, इसे बोलते हैं आर, बोलते नहीं बोलते फटाफट याद करना पड़ेगा भाई, ये होता है ए, ये होता है बी, और क्या होता था, उल्टा हो गया, उल्टा रहे, उल्टा हो गया, माफी माफी होता बेटा, ए ये होता है बी, ये होता है ए, ये होता है बी, ये क्यू, ये आर, ठीक है, माफ बेटा माफी भैया, मुंह से निकल गई, मुंह से निकल गई भैया, गलती से निकल गए भैया, ठीक है जी। अब मुंह से तो निकल गए बेटा, अब मोदी जी आएंगे अब अगले दिन, अब मोदी जी आने वाला है, फिर कब आएंगे, आएंगे 2 तारीख को शायद, 2 3 तारीख को दोबारा आएंगे, अब पता नहीं क्या बोलेंगे, मित्रों मेरा समय भाई और है ना, हम दो माना से लॉकडाउन बढ़ाने वाले माया मैं, जी हाँ लॉकडाउन, अब देखते हैं क्या क्या करते हैं मोदी जी हैं, चल छोड़ो मोदी जी तो रहने दो, यहाँ समझो, देखो बेटा ये क्या है सर, बी ये ए ये क्यू ये आर। अब बच्चों एक चीज़ देखो, आप एक चीज़ देखो प्यारे बच्चों, हम कह रहे हैं कि बेटा हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, बी से, यहाँ 6 से, यहाँ 6 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर क्या है यहाँ पर, 0 है। बट ये कह रहा है कि हमेशा जो हमारा ये जो होता है ना, जिससे डिवाइड करते हैं हम, जिससे डिवाइड करते हैं, कह रहे वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है, सर नहीं समझी बेटा, बी क्या है मेरे पास, 6 है, बी क्या है यहाँ पर, 6, और रिमाइंडर यहाँ पर क्या है, 0। कह रहे ये जो जिससे हम डिवाइड करते हैं और जितना रिमाइंडर बचेगा, ये डिवाइड करने वाला हमेशा रिमाइंडर से क्या होता है, बड़ा होता है, ये लिखा है ना, बी किससे बड़ा है, आर से, हमेशा बी आर से बड़ा होगा, हमेशा क्या, बी किससे बड़ा होगा बेटा, आर से, कन्फर्म होना होना ही है, ठीक है। और हाँ कह रहा जो आर है वो आर या तो 0 के बराबर होगा या बड़ा होगा, मतलब आर जो है वो या तो 0 से बड़ा होगा या आर 0 के बराबर हो सकता है। तो मुझे सर कैसे, प्यारे बच्चों यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0, तो यानी कि यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है सर, यहाँ पर आर की वैल्यू है 0, यहाँ पर आर की वैल्यू है 0, ठीक है समझे सर, ये आगे और समझा रहा हूँ, ये वाला एग्जांपल समझे सर, दोबारा बता दो। तो बेटा मैंने बी का डिवाइड, ये ए है, ये बी है, ये क्यू है, इसको आर बोलते हैं, बेटा 6 2 जा 12 गया, तो क्यू क्यू के साथ कोई रिलेशन नहीं है, क्यू क्यू के मामले में कुछ देखना नहीं हमें, क्यों यहाँ क्यू की बात हो रही है, नहीं हो रही है। तो बेटा कह रहा है बी बड़ा होता आर से, बी 6 है, आर क्या है, 0, क्या 6 0 से बड़ा है, बिल्कुल सर 6 0 से बड़ा है, बी बड़ा है आर से, जो रिमाइंडर बचेगा वो हमेशा 0 तो नहीं होगा, पर कभी कभी 0 हो सकता है, कभी कभी 0 हो सकता, कह रहा आर कभी 0 होगा और कभी 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा कब होगा देख लो भाई, जैसे सर मैंने क्या किया, 6 का डिवाइड किस में दिया, 11 में, सर 6 का डिवाइड 11 में कितने बार जाएगा सर, 6 1 जा 6, बेटा कितना बचा, 5,
कितना बचा? फाइव, फाइव बचा बेटा, ठीक है। बट ये क्या मेरे पास? बी। ये क्या मेरे पास? ए। ये मेरे पास है क्यू, ये मेरे पास है आर, ठीक है। अब बेटा रूल क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है? बी हमें से किससे बड़ा होता है? आर से। क्या सिक्स फाइव से बड़ा है? बी आर से बड़ा होता है ना, बिल्कुल। क्या सिक्स फाइव से बड़ा है? बिल्कुल सर। सिक्स से किससे बड़ा है? फाइव से। बी बड़ा है किससे? आर से। और कह रहा आर या तो जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा। क्या सर? क्या सर? जो ये जो मेरे पास आर है, ये सर आर है, जो आर है सर, जो कह रहा है ना, जीरो से बड़ा होगा। जीरो से बड़ा मतलब कि प्लस का होगा, जीरो से बड़ा का मतलब है पॉजिटिव होगा। अरे आर जो है वो जीरो से बड़ा है ना, आर जीरो से बड़ा है यानी पॉजिटिव नंबर है। देखो निगेटिव, अगर निगेटिव होता तो कभी रिमाइंडर निगेटिव आता है? कभी आपने देखा है कि रिमाइंडर -5, -3, -2 बचे? कभी होता है यहाँ पर? नहीं। जितने भी प्लस के नंबर होते हैं वो होते हैं जीरो से बड़े, जितने भी प्लस के नंबर होते हैं वो होते हैं जीरो से बड़े, ठीक है। तो सर आर किससे बड़ा है? आर से बड़ा है किससे? जीरो से। आर किससे बड़ा है? जीरो से बड़ा है, ठीक है। कभी कभी आर जीरो आ सकता है, जब एकदम पूरी, जब किसी नंबर का पूरा पूरा डिवाइड जाएगा तो आर जीरो से, उस टाइम आर बराबर जीरो आएगा, ठीक है। अच्छा सर, जैसे जैसे मैंने लिया, टेन, क्या लिया? टेन, ठीक है। सिक्स वन जा सिक्स, बेटा कितना बचा? सर बचा फोर। सर ये क्या हो गया? ये हो गया आर। सर ये क्या है बेटा? ये है बी। सर ये क्या है? ये है ए। सर ये क्या है? ये है क्यू। सर क्या बी? सर बी बड़ा आर से, बिल्कुल सर। बी यहाँ पर क्या है? सिक्स। और आर यहाँ पर क्या है? फोर है, बिल्कुल सर। बी बड़ा आर से। सर क्या आर जीरो के बराबर है? नहीं, आर जीरो के बराबर तो नहीं है, पर क्या बोला गया था? या तो जीरो के बराबर होगा या बड़ा होगा। सर आर बड़ा है जीरो से ना, बिल्कुल। यार चार तो जीरो से बड़ा ही होता है ना, चार क्या है? जीरो से बड़ा ही होता है, बिल्कुल सर। चार किससे बड़ा है? जीरो से बड़ा है, ठीक है। ऐसे ही आप करोगे, सिक्स का डिवाइड अगर टेन, नाइन में करोगे, एट में करोगे, सेवन से करो, सेवन में करोगे, तो हमेशा क्या आएगा? अगर आप कोई पूछ, हमेशा यही रूल अप्लाई होगा, कोई पूछे यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, आप बोलना सर ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर ग्रेटर, बी ग्रेटर देन आर एंड आर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये होता है सर हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है ये, ठीक है सर। ये आपको रट्टा मानना पड़ेगा क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में ये यूज होने वाले बेटा, ठीक है ना। ऐसे नाइन में डिवाइड करोगे तो सर ये हमेशा बड़ा आएगा, ये हमेशा क्या होता है? रिमाइंडर से बड़ा होता है, ये हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। और जो आर होता है, आर या तो जीरो के बराबर आएगा या जीरो से बड़ा आएगा, ठीक है। आर कभी भी निगेटिव में नहीं आ सकता, ठीक है। उम्मीद है कि हमारे बच्चे समझे होंगे, अगर समझ गए मेरे प्यारे बच्चों तो एक बार दोबारा से पीछे वही लौटते हैं, ठीक है। अब तो आप समझ में आ गया होगा सर यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, ठीक है। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहता है, मतलब घुमा पर आकर ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ठीक है। तो सर अगर ये यूक्लिड डिवीजन लेमा ये है तो सर आप सीधा ऐसे समझा देते है ना। तो मैंने कहा था सर कि वीडियो लंबी जा सकती है, कि कॉन्सेप्ट समझाना आवश्यक है, ठीक है। अब बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। सर एक बार लाइन पढ़ लेते क्या लिखा है, कह रहे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, हिंदी में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज अ टेक्निक टू कैलकुलेट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एस सी एफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर। मतलब सर पता क्या है? कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है यूक्लिड डिवीजन एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं? एससीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एससीएफ निकालते हैं, यानी ऐसी टेक्निक जिसकी हेल्प से हम एससीएफ निकालते हैं उसे बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यहां पर यूक्लिड डिवीजन लेमा है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, दोनों में क्या है? देखो बेटा सिंपल सी बात है, पता क्या है? अरे बच्चों ये है एक स्टेटमेंट, और इसी चीज का जब मतलब अगर मैं बोलूँ ना सिंपल सी विद सिंपल सी चीज, अगर मैं बोलूँ सिंपल चीज, सिंपल एक लास्ट एक वर्ड में बोल रहा हूँ, लास्ट बार बोल रहा हूँ भाई, मैं बोल दूँ भाई, बोल दूँ भाई सही में, ठीक है भाई। मतलब बेटा जब यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज एससीएफ निकालने के लिए किया जाता है, जब यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है तो उसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। अरे सर ये बोल रहे हैं तो सर पहले बोलते हैं ये, चल भाई बोल दिया ना, ठीक है।
सर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, सर यूक्लिड डिवीजन लेमा और दोनों में क्या डिफरेंस? कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है। क्या है, कोई पूछे क्या है ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, तो आप उनको ऐसे बोल सकते हो कि भैया सुनो, कि भ्राता जी सुनो या बहन जी सुनो, कि जब यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज किस लिए किया जाता है, एचसीएम निकालने के लिए किया जाता है, तो उसे ही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। आगे मैं ना अभी यूज करूंगा इसका, तुम बोलोगे नहीं सर वो तो ये था, नहीं 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 एक स्टेटमेंट है, जब इसका यूज किस लिए करेंगे, एचसीएम निकालने के लिए करेंगे, उसको बोलेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है सर? बिल्कुल सर, ठीक है। तो चलिए बच्चों ये तो हो गया, कैसे अब जरा क्वेश्चन करेंगे। आहा तुम लोग, चलो सर क्वेश्चन करें। ठीक है अभी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में लिखा होगा बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएम। ठीक है चलिए सर क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है क्या लिखा है, बाई यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बाई यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएम फॉलोइंग, है ना। क्या लिखा है हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है। क्या करना है, सवाल में एग्जाम में ना क्लियर क्लियर लिखा होगा। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर अगर एग्जाम में एचसीएम निकालने को आएगा अब मेथड का नाम नहीं लिखा तो कोई कोई से मेथड से कर लो आप, और अगर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखा है तो आपको इसी मेथड से करना होगा, है ना बच्चों। इन चार क्वेश्चन के साथ डील करेंगे अभी हम, अपन अगर हम ना वैसे तो आप एक क्वेश्चन समझ गए तो बाकी सब सारे खुद कर लोगे आप, और हर एक क्वेश्चन ना थोड़ा सा एक दूसरे से थोड़ा सा अलग हो सकता है। ठीक है मान लो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं प्यारे बच्चों, कैसे करेंगे सर, 210 एंड 55, 210 एंड 55। ठीक है अब सबसे पहले लिखना है, जब भी आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर दो प्यारे बच्चों तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा सर, क्या लिखना पड़ेगा कि बाय यूजिंग, जब तक नहीं लिखोगे तब तक बेटा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्या बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बिल्कुल बच्चों ये लाइन तो लिखनी लिखनी है, नहीं लिखोगे हिंदी में यूक्लिड, एक बार लिख देता हूँ हिंदी में, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करने पर लिखना पड़ेगा, क्या होता है वो, क्या होता है सर, क्या होता है, बिल्कुल बच्चे बोल रहे हैं क्या करें, a = bq + r, अवेयर क्या सर, b बड़ा किससे, r से, किससे बड़ा सर, b किससे बड़ा, r से, और r बड़ा और बराबर किसको होता है सर, जीरो के। ठीक है ये बड़े ये लिखना पड़ेगा आपको पूरा, पहले ये सवाल लिख दोगे फिर लिखोगे a = bq + r, और r > b > r and = 0। ठीक है ये लिख दिया प्यारे बच्चों, बिल्कुल फिर लिखेंगे प्यारे बच्चों, फिर सवाल को सॉल्व करेंगे। अब कुछ नहीं करना है इसमें, डिवाइड करना है, क्या करना है डिवाइड, किसका, छोटे नंबर का बड़े नंबर में। देखो भाई ये 210 है ना, 210 को लिख दो यहाँ पर, 210 को लिख दो यहाँ पर। ठीक है सर 210 यहाँ लिख दिया हमने, मतलब हमेशा छोटे नंबर का डिवाइड किसमें करेंगे, बड़े में। क्या करेंगे हमेशा छोटे का डिवाइड किसमें करेंगे, बड़े में। तो 55 का डिवाइड किस में करेंगे, 210 में। ले यार भाई 55 का डिवाइड, अब देखो सर 55 का डिवाइड 210 में कितनी बार जाएगा सर, सर डिवाइड करना मल्टीप्लाई करना आता नहीं सर, एक बार चेक करते 55 3 कितना होगा, 55 3 कितना होगा, 3 × 15 = 16, 165। और 4 बार करोगे तो सर क्या ज़्यादा हो जाएगा, अबे 55 का डिवाइड 210 में दो कितनी बार जाएगा, 4 बार ज़्यादा हो जाएगा ना। लो दादा यार अगर मैं ख्याल से शायद 210 में किसका डिवाइड देंगे, 55 का, 55 थ्री जा 5 × 15 × 15 = 16, सर कितना बचेगा, कितना सर कितना रिमाइंडर बचेगा, अरे बचेगा 5, अरे बचेगा 4, कितना 45 बचेगा पक्का सर, कितना बचेगा 45, कितना बचेगा प्यारे बच्चों 45 पक्का ना, 45 बच गया सर, भैया कह रहे भैया 45 बच रहा है, क्या बचेगा रिमाइंडर सर 45 बच रहा है। ठीक है तो सर 55 का डिवाइड 210 में सर कितनी बार जा रहा है 40, कितनी सर किसका डिवाइड कर रहे हैं 55 का,
55 का डिवाइड हमने दिया बेटा, 55 का डिवाइड 210 में कितने बार गया सर? 3 बार। कितने बार गया? 3। इंटू में लिख दो 3। इंटू में क्या लिख देंगे सर? 3 लिख देंगे सर। उसके बाद रिमाइंडर क्या बचा सर? रिमाइंडर बचा 45। यहाँ लिख देंगे 45। भैया समझे नहीं? अरे मेरे प्यारे बच्चों देखो, डिवाइड किस में दे रहे हैं? 210 में। किससे डिवाइड कर रहे हैं? 55 से। क्यों? मतलब कितनी बार गया? 3 बार। कितना रिमाइंडर बचा? वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है सर, ये रिमाइंडर है ना? क्या रिमाइंडर 0 आया? सर रिमाइंडर 0 नहीं आया। यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे? हियर, ये लिखना पड़ेगा, हियर रिमाइंडर इज नॉट 0। हिंदी में, हिंदी वाले बच्चे, यहाँ शेष फल, यहाँ शेष फल 0 नहीं है, यहाँ शेष फल 0 नहीं है। ठीक है, फिर क्या करेंगे सर प्यारे बच्चों? उसके बाद क्या करेंगे? ये जो मेरे पास 45 है ना, ये जो 45 है ना मेरे पास, बट इस 45 को क्या करेंगे? ये खत्म हो गया। उसके बाद इस 55 में डिवाइड करेंगे किसका? इस 45 का। सर इस 55 में, इस 55 में देखो, तो आपको ना, अगर मैं मेरे पास संभव है, पॉसिबल, चलो कोई नहीं, ये हो गया। ठीक है, मैंने अभी मैं यहाँ साइड में कर रहा हूँ, वहाँ फेयर काम या रब, यहाँ रब काम। तो सर किस में डिवाइड कर रहे थे हम? 210 में। किसका डिवाइड? 55 का। 55 थ्री जा 45। कितना सर रिमाइंडर कितना बचा? नहीं, कितने बार गया? ये 165 गया। रिमाइंडर कितना बचा था सर? रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर कितना बचा था? 30। कितना बचा था? 45। रिमाइंडर 45 बच गया ना। अब क्या करेंगे? इस 45 का डिवाइड किस में देंगे? इस 55 में। इस 45 का डिवाइड किस में देंगे? इस 55 में। यहां देखो सर, 210 इज इक्वल टू, ये डिस इंटू दिस लिखा। क्या करेंगे? इस 55 में किसका डिवाइड देंगे अब? 45 का। किसका डिवाइड? इसमें। ये पहला राउंड खत्म हो गया, पहला राउंड खत्म हो गया, अब इसमें डिवाइड देंगे किसका? इस रिमाइंडर का बेटा। ठीक है, अब चेक करो बेटा यहाँ पर कि सर 45 का डिवाइड, 45 का डिवाइड 55 में कितनी बार जाएगा? 45 बन जा 45 बेटा। 1 बार गया ना, कितना कितना रिमाइंडर बचेगा बेटा? 10। कितना बचेगा? 10 बच गया। तो प्यारे बच्चों कितनी बार का डिवाइड? 45 × 1 यानी 45 × 1 = 45। और यहाँ क्या लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना बचा? 10। अरे प्यारे बच्चों ये लिख रहा हूँ, देखो वही लिखा, कितनी बार डिवाइड किया? 1 बार। तो 45 × 1, 45 × 1 प्लस, प्लस में क्या लिखते हैं? रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या बचा? 10। क्या सर ये रिमाइंडर? ये पहले रिमाइंडर यहाँ 0 आया था? नहीं, यहाँ 0 आ रहा है? नहीं। यहाँ यहाँ क्या लिखेंगे? वही लिखेंगे, हियर रिमाइंडर इज नॉट 0, हियर रिमाइंडर इज नॉट 0। बेटा लिखना पड़ेगा यहाँ पर, हियर रिमाइंडर इज नॉट 0, यहाँ पर शेषफल 0 नहीं है, लिखना पड़ेगा। आर 0 आया? नहीं आया। जब तक ये 0 नहीं आएगा तब तक तो क्वेश्चन चलता रहेगा, तब तक तो क्वेश्चन चलता रहेगा। अब क्या करना है प्यारे बच्चों? आप देख रहे हो ना, ये 10 आया ना, ये 10, इसको ऐसे लपेट लो और इस 10 का डिवाइड किस में करो? इस 45 में। ये आप ना रफ वर्क कर सकते हो, क्या कर सकते हो? रफ वर्क। ये 10 का डिवाइड किस में करेंगे? 45 में। कितने बार गया? 10 × 4 = 10 × 4 = 40। बट कितना बचेगा? 5। कि रिमाइंडर 0 अभी भी नहीं आया ना? नहीं आया। तो मैंने कहा क्या करेंगे बेटा? बताया ना मैंने अब आपको, इस 45 को लिख दो यहाँ पर, इस 45 को लिख दो यहाँ पर, और इस 45 में किसका डिवाइड करेंगे? 10 का ना। 10 का डिवाइड, 10 का डिवाइड मैंने कितनी बार गया? 4 बार। 10 × 4, 10 × 4 = 40। और रिमाइंडर कितना बचा था? अरे 4 बार गया था ना, 10 × 4, कितना शेष बार लगी बचा? 5। तो प्लस का 5 लिख देंगे यहाँ पर। आ गया सर? बिल्कुल आ गया सर। ठीक है बेटा, रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया। यहाँ लिखेंगे, ये लिखते रहेंगे सर, लिखते रहेंगे हिंदी में, यहाँ शेष पर 0 नहीं है, हियर क्या? हियर रिमाइंडर इज, हियर रिमाइंडर इज नॉट 0, यहाँ शेष पर 0 नहीं है, शेष पर 0 नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं। बच्चे बोलेंगे कि हाँ मेरे बच्चे समझ गए, हमारे प्यारे बच्चे समझ गए। करे सर एक काम करो ना, अब 5 पे डिवाइड किस में करो, 10 में। अरे 5 पे डिवाइड किस में करेंगे, इस 10 में। 10 में कितनी बार जाएगा, 5 2 10। रिमाइंड रख कितना बच गया, 0। तो क्या करेंगे, अब 5 के डिवाइड 10 में देंगे ना, बिल्कुल। इस 5 के डिवाइड किस में देंगे, 10 में। ये 10 आ जाएगा यहाँ पर, अब कितना आएगा बेटा, ये कितना आएगा, है ना, किसका डिवाइड करेंगे, 10 यहाँ पर जाएगा। तो 5 के डिवाइड 10 में कितने बार गया, 2 बार गया ना, 5 2 जा 10। और रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया, अब तुम बोलोगे सर क्या बोलना चाह रहे हो, रिमाइंडर 0 आ गया, बिल्कुल सर आ गया। तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है, तो रिमाइंडर जब 0 आया तो लास्ट में किसने डिवाइड दिया, सर 5 ने डिवाइड दिया। किसके डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, सर जब 5 ने 10 में डिवाइड किया तब रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो जिस नंबर के डिवाइड करने से लास्ट में रिमाइंडर 0 आता है, सुन लो, जिस नंबर के डिवाइड करने से लास्ट में रिमाइंडर 0 आता है, वही हमारा क्या होता है, SCF। वही क्या होता है हमारा, SCF। तो इन मतलब कि हमारा 210 और 55, इसका SCF क्या हो गया सर, 5। सर इसका SCF क्या हो जाएगा, सर 5 हो जाएगा रे बच्चा। सर क्या हो जाएगा इनका SCF, 5। क्या सर, 5। क्या हो जाएगा सर, 5। यहां लिखेंगे हियर रिमाइंडर 0, हियर रिमाइंडर इज 0। यहां रिमाइंडर क्या है, 0 है, यह रिमाइंडर इज 0। अब फिर यहां लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहां ऐसे लिख देंगे ना कि हैंस SCF ऑफ, क्या था बेटा क्वेश्चन हमारे पास, SCF ऑफ 210 एंड 55, 210 एंड 55 इज, बेटा क्या रिमाइंडर आया इनका, क्या आया, 5। इज इक्वल ले सकते हो, है ना, इज एंड 45 क्या है बेटा, 5। चलो यार ऐसे लो, इज 5, है ना, क्या क्या रिमाइंडर आया बेटा, 5 आया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलने, एक बार फिर बता दूं बेटा, वैसे एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, पर इसी को अगर और बताना, क्योंकि पहला सवाल है, समझना जरूरी है, पहले लिखना पड़ेगा कि यूक्लिड डिवाइजर रिमाइंडर, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्या करना बच्चों, सबसे पहले छोटे वाला नंबर का डिवाइड करना पड़ेगा हमें, बिल्कुल। हमने 55 का डिवाइड किया 210 में, कितनी बार गया सर बेटा, कितनी बार गया, 3 बार गया, ठीक है, जितना रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर। फिर क्या करना है हमें, अगला रूल, रूल क्या बोलता है, लिख रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया, लिख दो हियर रिमाइंडर नॉट 0, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये जो नंबर आया ना जिससे डिवाइड दिया, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला हमेशा यहाँ पर आ जाएगा, ये आया, ठीक है। इसमें किसका डिवाइड देंगे, रिमाइंडर का, इसका डिवाइड देंगे। 45 को डिवाइड कितने बार किया, 1 बार, कितना रिमाइंडर बचा, 10। फिर ये यहाँ पर आ गया, इसमें किसका डिवाइड देंगे, रिमाइंडर का, यानी किसका, 10 का, 10 4 जा 40, कितना रिमाइंडर बचा, 5, 5 लिख दिया। फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, इस 10 को यहाँ लिख देंगे, 10 में किसका डिवाइड देंगे, रिमाइंडर का, 5, कितने बार गया, 2 बार। जिसने लास्ट में डिवाइड दिया, जिसने लास्ट में डिवाइड दिया बेटा, वही क्या होता हमारा, वही क्या होता हमारा, जिसने जिसने लास्ट में डिवाइड दिया वो हमारा SCF, क्या होता है वो, SCF। इन बच्चों को समझ ये नहीं आया, कोई नहीं बेटा, अगला सवाल करते हैं, कौन सा वाला, अगला क्वेश्चन करते बेटा, नहीं आया ना, अगला समझेंगे पक्का हम। 135 235, 135 225, 135 225, 135 225, 135 225, 135 225, 135 एंड 225, ठीक है। चलिए सर शो करते हैं, है ना प्यारे बच्चों, क्या लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन में, सर सॉल्यूशन वही लिखना पड़ेगा बार बार, क्या लिखना पड़ेगा, वही लिखना पड़ेगा, क्या, बिल्कुल, बाई यूजिंग, है ना, ये लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग, ये लिखोगे तो अच्छे नंबर बनेंगे, तो 100 में से 100 आएंगे, तो क्या आएंगे, 100 में से 100 नंबर, ठीक है। बाय यूजिंग यूक्लिड, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन अल्गोरिथम, वो क्या होता है बेटा, है ना, क्या होता है सर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और हियर क्या सर, बी बड़ा होता आर से, और आर भाई साहब बड़ा और बराबर किसके होते हैं, 0 के, ठीक है, बिल्कुल सर।
मैंने क्या बोला कि छोटे वाले का डिवाइड किस में करेंगे, बड़े में। तो 225 में किसका डिवाइड होगा, 135 का। लो बेटा ये आपको, आपको ना साथ साथ यहाँ में डिवाइड करने बताता हूँ, ठीक है। चलो ऐसे करते या तो, नहीं ऐसे पहुँचे वहाँ दिख पाएगा ये, नहीं वहाँ दिख पाएगा नहीं। चलो सर कोशिश करता हूँ आपको ना ऐसे साथ साथ, ठीक है। लो सर, किसका सर 135 का डिवाइड किस में करेंगे, 225 में। तो 135 का डिवाइड 225 में कितनी बार जाएगा, कितनी बार गया सर, कितनी बार गया, 135 बन जा 135, दो बार जाएगा नहीं, कितना बचेगा, जीरो। और 12 से 3 का कितना बचेगा सर, 9 बचे, कितना बचेगा 90। तो 135 का डिवाइड 225 में कितनी बार गया, वन बार गया। तो 135 इन वन जा 135। प्लस में, प्लस में क्या आता है, रिमाइंडर। और रिमाइंडर क्या आया सर, रिमाइंडर क्या आया सर, रिमाइंडर आया 90। रिमाइंडर सर क्या आया, 90 आया। फिर क्या करना है, फिर यहाँ लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा यहाँ पर, नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे, नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे सर, ठीक है। लिखेंगे लिखेंगे आर इज इक्वल टू नॉट जीरो। अब बेटा ना एक शॉर्टकट तरीका भी है, शॉर्टकट तरीका ये, आप ऐसे लिख सकते हो कि ऐसे ना, मैं मतलब शॉर्टकट आप मत मानना, पर मैं मान रहा हूँ, आप नहीं मानना, आपको एग्जाम में आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना होमवर्क में, आपको होमवर्क में पूरा लिखना है यह रिमाइंडर इज नॉट जीरो। पर मैं लिख रहा हूँ, मैं शॉर्ट फॉर्म में ना आर इज इक्वल टू नॉट जीरो, यानी रिमाइंडर जीरो के बराबर नहीं है, नहीं है। तो क्या करेंगे, 135 में, 135 में किसका डिवाइड करेंगे, 90 का। बहुत बढ़िया बच्चों, है ना, यानी 90 का डिवाइड किस में करेंगे, 135 में। बेटा कितना बचा, ये बेटा रफ वर्क है, 90 बन जा 90 से कितना बचेगा, ये 5 और ये बचेगा 45, कितना बचेगा 45। तो 90 के डिवाइड 135 में कितनी बार जाएगा, वन बार। तो 90 के डिवाइड 135 में कितनी बार जाएगा, वन बार। 91 जा 90 प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 45, रिमाइंडर बचेगा 45, क्या बचेगा सर, 45, ठीक है सर। फिर क्या होगा सर, लिख देंगे कि आर इज इक्वल टू नॉट जीरो, हियर आर इज इक्वल टू नॉट जीरो, रिमाइंडर जीरो आया, नहीं आया सर। तुम क्या बोलोगे, बच्चे बोलोगे सर एक काम करो, 45 का डिवाइड किस में कर दो, 90 में। 45 का डिवाइड किस में कर दो, 90 में। लो सर, तो 45 वन जा 45, 45 टू जा 90, रे कितना बचा, जीरो। आप बोलोगे सर अच्छा, मैंने बोला ना सर 90 यहाँ पर आ जाएगा ना, ठीक है। तो 90 में हमने किसका डिवाइड दिया, 45 का, कहा था ना। तो 90 में किसका डिवाइड देंगे, 45 का, कितनी बार गया, टू बार। 45 वन जा 45, और 45 टू जा लिखा ना, आया ना 45 टू जा 90, रिमाइंडर कितना आया, जीरो। यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आर बराबर क्या है, जीरो। आर बराबर क्या है, जीरो आया, तो लिख देंगे सर हैंस, क्या हैंस सर, SCF ऑफ हैंस, SCF ऑफ किसका, 135 एंड 225 इज, कितना है सर, लास्ट में किसने डिवाइड दिया, 45 ने। लास्ट में किसने डिवाइड दिया, किसके डिवाइड करने से रिमाइंडर जीरो आ रहा है, 45 के। तो सर इन दोनों का, 135 और 225 का सर, इन दोनों का सर SCF कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा सर। SCF क्या हो जाएगा, 45। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 45 के डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या आया सर, जीरो आया, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ बेटा आप चीज़ों को थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे, थोड़ा बहुत नहीं पूरा ही समझ रहे होंगे। अब तो यार आप तो सर, आप लोग एक्सपर्ट बन गए ना, उम्मीद कर रहा हूँ आप एक्सपर्ट बन गए हो गए हम लोग, है ना, ठीक है सर। देखो बेटा कितना स्टेप चला हमें, हमने चले यहाँ पर एक स्टेप, दो स्टेप और तीन में, सर ये तीन में खत्म हो गया। ये तो बहुत आसान सवाल है भैया, बहुत ही आसान सवाल, बहुत आसान सवाल, ठीक है ना। बस ये जा रहा है, इसको भी यहाँ ले रहे हैं, इसमें रिमाइंडर का डिवाइड कर रहे हैं, फिर ये यहाँ आ जा रहा है, इसमें किसका डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर का। और लास्ट में जिसके डिवाइड करने से रिमाइंडर जीरो आएगा, वो हो जाएगा हमारा SCM, ठीक है। तो चलिए बेटा एक और सवाल करते हैं, कौन सा नंबर, थर्ड, थर्ड क्वेश्चन क्या था बेटा, 450 और 50, 450 और 50। देवीर सज्जनों पेश है आपके सामने सवाल नंबर 3, 450 एंड 50, 450 और 50, ठीक है। यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे भाई, कि बाय यूजिंग, बाय ये तो लिखना पड़ेगा सर, ये तो रटा दूंगा मैं आपको, बाय यूजिंग क्या, अरे बोलो ना,
यूक्लिड क्या सर? डिवीजन अल्गोरिथम क्या कहता है वो सर? ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, और जहां पर हमारे बी भाई साहब आर से बड़े होते हैं और आर भाई साहब बड़े और बराबर होते हैं किसके? जीरो के। ठीक है, छोटे का डिवाइड बड़े में करेंगे ना आप लोग। अरे भैया यार एक काम करता हूँ ना, ये सवाल को चेंज करता हूँ। क्या करते हैं, सवाल को चेंज कर देते हैं साले। यहाँ सॉरी बेटा, यहाँ लिखते हैं 60। क्या लिखते हैं यहाँ पर? 60। इसका डिवाइड वैसे ही जा रहा है, यहाँ सवाल को चेंज करते हैं। यहाँ क्या लिखते हैं? 60। यहाँ पर क्या लिखते हैं? 60। क्या लिखते हैं? 60 लिखते हैं ना। ये तो ऐसे ही जा रहा है डिवाइड। ठीक है, ये तो वैसे जा रहा था, वैसे आंसर हमारा आ रहा था। छोटे का डिवाइड किस में करेंगे? बड़े में। छोटा बड़ा हुआ था ना उसमें, छोटे बड़े। ठीक है सर, 450 में किसका डिवाइड करेंगे? 60 का। सर डिवाइड करना सीख लेते हैं, आपको तो आता है, तो ठीक है। किसका डिवाइड करेंगे? 60 का। लीजिए सर, है ना, कितनी बार जाएगा सर? डिवाइड करना आना चाहिए, डिवाइड करना आना चाहिए बस। अब आपको डिवाइड करना आना चाहिए, कितनी बार जाएगा? देखो समझो, ये 6 है और ये 45 है, तो 6 7 जा 42, 6 7 जा 42। यहाँ क्या लगा देंगे? जीरो लगा दो, कितना बचेगा? जीरो। अब कितना बचेगा? 30। कितना बचा? 30। कितना बचा? 30। तो 60 के डिवाइड कितने बार गया? 7 बार। कितने बार गया? 7। तो 60 × क्या हो जाएगा? 7। 60 × 7 रिमाइंडर कितना बचा? 30। कितना बचा? 30 बचा सर। 30 बचा ना बेटा? बिल्कुल सर, 30 बचा। फिर क्या करेंगे सर? सर यहाँ लिख देंगे रिमाइंडर जीरो नहीं आया। आर नॉट इजिकल टू जीरो, आर नॉट इजिकल टू जीरो, आर जीरो के बराबर नहीं है नॉट। क्या करेंगे सर? 60 को यहाँ लिख देंगे बिल्कुल, और इसमें यहाँ लिख देंगे हियर आर नॉट इजिकल टू जीरो, इसलिए अगला स्टेप कर रहे हैं हम। ठीक है ना, आर जीरो के बराबर नहीं आया तो 60 आ गया सर। 60 में, 60 में किसका डिवाइड देंगे? 30 का यार। 60 में क्या करेंगे? 30 का डिवाइड किस पर देंगे? 60 पर देंगे ना। कितनी बार जाएगा सर? 32 जा 60। अरे सर रिमाइंडर जीरो आ गया सर, ये तो बहुत छोटा सवाल है। चलो कोई नहीं, छोटा था बड़ा सवाल सुनूंगा आपके लिए भी हमें। ठीक है, तो सर 60 में किसका डिवाइड देंगे? 30 का। किसका देंगे? 30 आ जाएगा ना। 60 यहाँ पर आ जाएगा, 30 यहाँ पर आ जाएगा, पहले वाला पहले बाद वाला बाद में। ठीक है, तो 30 का डिवाइड 60 में कितनी बार जाता है? 2 बार, बताया था ना अभी। और रिमाइंडर कितना आ रहा है? जीरो। रिमाइंडर आ रहा है जीरो। क्या लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे हियर आर इजिकल टू जीरो, यहाँ पर रिमाइंडर क्या है? जीरो आ रहा है। तो हैंस एस सी एफ ऑफ 450 एंड 60 इज क्या आया? किसने डिवाइड दिया लास्ट में? 30 ने दिया था ना, इज 30। क्या आया सर इनका सी एफ? 30 आ गया। क्या आ गया सर? 30। हिंदी में लिखें आता है 450 और 60 का SCF 30 है। ठीक है, ये तो ये दो सर, दो स्टेप में गया, ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, और तीसरे में आंसर आ गया हमारा। ठीक है, एक आज का लास्ट सवाल करते हैं। तो लास्ट है, थोड़ा बड़ा सवाल है। तुम बोले थे तो कोई बच्चा बोला था इतना छोटा, हंस रहा था, रुक जाओ बेटा। तो ठीक है, एक बड़ा वाला सवाल मैंने कहा था ना, बड़ा वाला सवाल कौन सा था, है ना? यही सर, यही सवाल था मेरे पास बड़ा। कौन सा कौन सवाल सर? क्वेश्चन क्वेश्चन था बेटा, ये था ना, ये वाला ना, 4 5 है ना, 4052 और 12567। कोई नहीं बड़ा, आप तुम्हारा नानी याद करता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बेटा आपने ये वाला क्वेश्चन, इसको पॉज करके राइट डाउन करते रहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, सवाल नंबर 4, और आज का ये लास्ट सवाल होने वाला है शायद, है ना? कल का लेक्चर छोटा था, आगे थोड़ा बड़ा है ना। ठीक है बेटा, क्या था एस सी एफ किसका निकालना है? 4052 एंड 4052 एंड क्या था बेटा? 1512576। बिल्कुल, 4052 एंड 12576, ये आपकी नानी नाना पापा मम्मी से याद दिलाएगा आपको, है ना? ऐसा सवाल करना है आपको। क्या लिखेंगे? बाई यूजिंग, बाई यूजिंग यूक्लिड डिवीजन, बाई यूजिंग यूक्लिड डिवीजन अल्गोरिथम। सर यूक्लिड डिवीजन अल्गोरिथम का अगर हम यूज करते हैं क्या होगा बच्चों? सर लिख देंगे, क्या लिखेंगे? ए इजिकल टू
बी क्यूब प्लस आर, जहां पर हमारे बी बड़े भाई साहब आर से बड़े होते हैं और आर भाई साहब बड़े और किस बड़ा वाला किसको होते हैं, जीरो से ओ तुरीको। ठीक है सर, चलिए सर, चलिए 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 चलो चलिए सर, है ना। ठीक है सर, आगे आगे वाला आगे करते हैं बेटे, क्या करेंगे इसको, क्या करेंगे सर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 2 5 7 6 लिख देंगे, किसके बटे डिवाइड करेंगे, 5 0 5 0 4 0 5 2 4 0 5 2 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, चेक करना पड़ेगा कितनी बार जाता है, चेक करना पड़ेगा सर, है ना बेटे, साथ साथ दिखा रहा हूँ मैं सर, 4 0 5 2 का किस में डिवाइड करेंगे, 1 2 5 7 6 1 2 5 7 6 1 2 5 7 6। प्यारे बच्चों मेरे ख्याल से ना देखो, अगर आप इसका इसमें डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, दो तीन बार, थ्री तीन बार, तो शायद बड़ा ज़्यादा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ा तो नहीं होगा, एक बार देखते हैं, क्यों कोई दिक्कत नहीं, तीन बार सर, एक बार तीन बार देखते हैं, है ना, कितना आ रहा है, 3 2 जा 6, ठीक है ना, 3 5 जा 15, ठीक है, और थ्री क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3 1 जा 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे पर 1 आएगा ना यहाँ पर, और क्या 3 4 जा 12, कितना, 3 4 जा 12 कितना बचेगा बेटा, 6 में 6 गया 0, है ना, और प्यारे बच्चों कितना बचने वाला है सर, 7 में 5 गया 2, और कितना बचेगा, 420, कितना आएगा, 420, हाँ सही जा रहा है, रिमाइंडर हमेशा ना इससे छोटा होता है ना, ये बड़ा है ये छोटा है। ठीक है, तो 4 5 2 का डिवाइड इसमें कितनी बार जा रहा है, 3 बार, कितनी बार जा रहा है सर, कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, और रिमाइंडर कितना बच रहा है, कितना रिमाइंडर बच रहा है, 420, 420, यहाँ क्या लिखेंगे, वही वही लिखेंगे सर, घिसी पिटी लाइन हियर आर इज इक्वल टू नॉट 0, ये 0 आया सर, नहीं आया, फिर मैंने क्या बोला प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर आ जाएगा ना 4052, और ये यहाँ पर पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में, ठीक है, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। ठीक है, अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे ना, 420 का डिवाइड इसमें करेंगे ना, तो 420 का डिवाइड करेंगे इसमें, 420 का डिवाइड किसमें करेंगे, 4052, तो 420 का डिवाइड इसमें करेंगे ना, तो 420 का डिवाइड किसमें करेंगे, 4052। अब देखो प्यारे बच्चों, अब ना अगर 420 का डिवाइड करोगे 10 बार, अगर 420 को करोगे 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 4 2 4200, तो वो इससे बड़ा आ जाएगा ना, तो एक बार ट्राई करते हैं किससे, 9 से, मेरे ख्याल से 9 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा इसका डिवाइड, इसमें 9 बार जाएगा, 8 बार छोटा हो सकता है शायद, 9 बार ट्राई करते हैं, 9 बार ट्राई करते हैं, 9 बार, 9 × 0 0, 9 2 जा 18, ठीक है, और कितना, 9 × 36 क्या आ जाएगा, 37 37, बिल्कुल इससे छोटा आ रहा है, 10 बार करते हैं तो बहुत बड़ा आता, 42 इससे बड़ा जाता, ठीक है, बट रिमाइंडर कितना बचेगा, ये रिमाइंडर बचेगा 2, अब 15 बार 8 गया 100, तो और हमारा सर क्या बचेगा, ठीक है, और सर क्या बचेगा, और सर 9 में से 7 गया 2, है ना सर, रिमाइंडर कितना बचेगा, 272 बचेगा, तो 4 4 0 420 का डिवाइड कितनी बार जा रहा है, 9 बार, तो 420 का डिवाइड कितनी बार गया है, 9 × 9 प्लस कितना रिमाइंडर बचा, 7 2 7 7 2 7 2, कितना बचा, 272 272, क्या रिमाइंडर 0 आया सर, रिमाइंडर 0 नहीं आया, लिखेंगे हेयर आर नॉट इक्वल टू 0, तुम ऐसा मत लिखना, मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है, आर इज इक्वल टू 0, फिर क्या करेंगे, तुम बोलो सर पहले इसको लिख दो यहां पर भैया, और इसको लिख दो यहां पर, और इसको लिख दो यहाँ पर, और इसको लिख दो यहाँ पर, ठीक है, अब सर है ना, बिल्कुल वही क्या करेंगे, 272 को डिवाइड किसमें करेंगे, 420, इसका डिवाइड इसमें करते हैं, है ना, 272 का डिवाइड किसमें करते हैं, 420, बट 2 बार दोगे तो बड़ा हो जाएगा, 2 बार दोगे सर क्या हो जाएगा, बड़ा, है ना, 400 तो ये आ जाएगा, 400 कुछ आएगा मेरे ख्याल से, इससे बड़ा हो जाएगा, एक बार कितनी बार जाएगा इसका डिवाइड इसमें, 272 का डिवाइड इसमें एक ही बार जाएगा, 272 1 जा 272, कितना बचेगा, 10 में 2 गया कितना बचेगा, 8, और 11 में 4 गया 11 में 7 गया कितना बचेगा, 4, डिवाइडर कितना बचेगा सर, और 3 में से 2 गया 1 कितना बचेगा, 141, कितना बचेगा, 141, तो सर इसका डिवाइड कितनी बार गया इसमें, 1 बार, 272 का डिवाइड कितनी बार गया है, इंटू 1 बार, कितना रिमाइंडर बचा बाबा, रिमाइंडर बचा 148, कितना बचा 148,
क्या लिखेंगे? रिमाइंडर 0 आया भैया? नहीं आया। क्या लिखेंगे? आर नॉट इजिकल टू 0। ये यहां पर आ जाएगा बिल्कुल सर, और ये यहां पर आ जाएगा बिल्कुल सर। तो 148 का डिवाइड किस में देंगे? 272 में, है ना। 148 का डिवाइड देंगे 272 में, यानी सर 1 इसका डिवाइड किस में करेंगे? थोड़ा यहाँ दिक्कत आ जाएगा ना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। 148 का डिवाइड किस में करेंगे? 272 में। सर अगर 2 बार दोगे ना तो सर कितनी बार हो गए? 284। सर 2 बार में भी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। क्या 148 का डिवाइड किस में करेंगे सर? किस में? 241। इसमें किसका डिवाइड? इसमें 1 ही बार। कितनी बार जाएगा? 1 ही बार, 1 बार जाएगा ना, 148 ही आएगा। 2 बार दोगे बड़ा हो जाएगा इससे। 148 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे इससे बड़ा आएगा, ठीक है। तो 1 ही बार जाएगा। कितना बचेगा सर? ये बचेगा हमारा कितना सर? 141 and 148, सब 12 में अड़ गया 4, और 4 में 2 गया 6, में 4 गया 2, ये 142, 124 बचा। तो 148 का डिवाइड कितनी बार गया इसमें? 1 बार। तो 148 × 1 कितना रिमाइंडर बचा? 124। कितना बचा? 124। सर रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया सर। आर नॉट इक्वल टू 0, आर बराबर 0 के बराबर नहीं आया। फिर क्या करेंगे? इसको लिख देंगे यहाँ पर 148, और इसे लिख देंगे यहाँ पर। तो 124 का डिवाइड किसमें करेंगे? 148 में। 124 का डिवाइड किसमें करेंगे? 148 में। 148 कितनी बार जाएगा सर? 1 ही बार जा रहा है ना। 124 वन जा 124। सर कितना बचेगा रिमाइंडर? सर 4, और क्या बचेगा? 24। कितना रिमाइंडर बच रहा सर? 24। तो 124 का डिवाइड कितनी बार जा रहा है? 1 बार। 124 वन जा 1, 124 वन जा 124, और रिमाइंडर कितना बच रहा है? 24। कितना बच रहा है? 24। सर रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया। तो सर लिखो आर नॉट इक्वल टू 0। सर लिख दिया। इतना बड़ा सवाल है, मैंने कहा था ना अभी, आप बोलो छोटा सवाल बड़ा सवाल लिया है ना आपके लिए मैं, ठीक है। आप बोलो भैया इसको लिख दो, 124 को लिख देंगे यहाँ पर और 24 को लिख देंगे यहाँ पर। 124 का डिवाइड दो, 24 का डिवाइड दो 124 में, 24 का डिवाइड दो किस में? 124 में, ठीक है। तो 24 का डिवाइड कितनी बार जाएगा? 24 2 जा 48, 24 3 जा 72, 24 4 जा 96, और 24 5 जा 120। टेबल याद है 24? हाँ 24 का टेबल याद है, ऐसी बात नहीं है बेटा। कितनी बार जाएगा? 24 5 जा 120। कितना डिवाइडर बचेगा? 4। तो 24 का डिवाइड कितनी बार गया इसमें? 5 बार। 24 का डिवाइड कितनी बार गया? 5 बार। कितना रिमाइंडर बचा रहे दादा? 4। ये भगवती, ये माँ भगवती, ये परमेश्वरी, अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया। शेष पद अभी भी 0 नहीं आया रे, क्या होगा? चलो कोई नहीं, आर 0 नहीं आया, कोई नहीं, इसको लिख देंगे यहाँ पर, और क्या करेंगे? 4 को लिख देंगे यहाँ पर। 4 का डिवाइड करेंगे 24 में, करो कितनी बार जाता है? 4 6 जा 24, रिमाइंडर बच गया 0। बस सर, बस 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 सर, आ गया 0। हे भगवती, कितने बार इसका डिवाइड गया? 6 बार। रिमाइंडर कितना बचा? 0। हे भगवती, 0 आ गया। कितना स्टेप चले? 1 2 3 4 5 6 7। बाप रे बाप, आ गया बेटा, आ गया, आ गया रे। आर 12 बराबर क्या आ गया? 0। हेंस एससीएफ ऑफ 4052 एंड 4052 एंड 1 2 5 7 6 इज सॉरी, लास्ट में डिवाइड किसने किया था बेटा? 4 ने डिवाइड किया ना, उसकी वजह से 0 आया। 4 के डिवाइड करने से ही 0 आए ना, तो क्या आएगा सर? इज 4। क्या सीएफ आ जाएगा सर इनका? 4 आ जाएगा सर। इतना बड़ा सवाल सर, ये तो नानी याद आ जाएगी एग्जाम में, नहीं एग्जाम में इतना बड़ा सवाल नहीं होगा, कैलकुलेशन आसान आ सकती है आपके लिए, ठीक है। हाँ प्यारे बच्चे, तो उम्मीद है सर ये वाला सवाल आप क्या होंगे समझे होंगे ना। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए। अभी आपका वीडियो को जो टाइम हो रहा है, वो हो रहा है 1 घंटा 4 मिनट पहुंच चुके। देखो मैंने कहा था ना सर,
कि वीडियो की लेंथ लंबी जा सकती है, पर कोई दिक्कत नहीं सर, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। और कोई बच्चा कह रहा है मेरे से, ठीक है, टीनू मीना कह रहा है कि भैया अगर भैया ये तो हमने दो में बताया है, यही बताया दो में, और अगर तीन वालों को निकालना हो तो, ठीक है, उधर किसी बच्चे का आवाज आ रही है, अरे सर रहने दो, तीन वाले रहने दो, तीन वाले अगले बात बता ना, आज दो वाले रहने दो, ज़्यादा बड़ी भीड़ हो गई है, ठीक है, बाकी बच्चे परेशान होगा भाई टीनू, ठीक है, टेंशन मत ले भाई, दो वाली है, तीन वाले वैसे आपकी बुक में नहीं है। अगर तीन नंबर का, अगर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम से तीन नंबर का एचसीएफ निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालें, तो बेटा तीन वाला आपको बताऊंगा, उसके लिए अलग से वीडियो लाऊंगा आपको, ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि पहले दो छोटे नंबर का निकालना, फिर जो है उसका बड़े में कर लेना, कोई ये दिक्कत, कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, ये कॉन्सेप्ट में इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा आपके लिए, ठीक है, बेसिकली फिलहाल आप दो वाला समझिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, ठीक है, तीन वाला वीडियो की लेंथ ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, बच्चे लोग परेशान हो चुके हैं, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बेटा आज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके समझ में आया होगा, ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये मैंने चार क्वेश्चन कराए आपको, बेसिक कराया, चलिए मैं आपको बेटा कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाने हैं। प्यारे बच्चों ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक है, इन क्वेश्चन को आराम से घर में बैठकर फुर्सत से कर लेना, ठीक है, लॉकडाउन है तो घर में बैठे रहो, आराम से ना, आराम से पढ़ना, आराम से करना, ठीक है, कोई नहीं, आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा, तीन, जितना भी आपको टाइम लगे, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों आपने वीडियो आराम से तसल्ली से देखी होगी, अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक भी कर देना, और यार लाइक वाला बटन दबाने में क्या जा रहा है तुम्हारा, ठीक है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल तो आपने सब्सक्राइब किया, ठीक है, नहीं तो दोस्तों को, सहेलियों को, भाई को बोल देना, ठीक है बच्चों, आपने वीडियो देखी, अगले वीडियो में मिलेंगे, और हाँ होमवर्क ये भी है और क्लास वर्क भी है, ये भी है और क्लास वर्क भी है, ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेटा क्या, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।